आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के समक्ष कांग्रेस की नीतियों में आस्था व्यक्त करने वाले विभिन्न संगठनों से आए एबीपी के अभिनव सिंह, हिंदू जागरण मंच के शुभम शुक्ला, सुशील कुमार सहित ऐसब खान, रुपेश यादव, सुनील कुमार, संगम सरोज, रोशन गिरी, सौरभ तिवारी, शुभांशु यादव, आदित्य सिंह, विवेक चौबे सहित सैकड़ों छात्र नेताओं को कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह एवं कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई के अध्यक्ष विशाल दुबे ने कांग्रेस का चिन्ह प्रदान कर माला पहनाकर उन्हें कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाकर विधिवत कांग्रेस में शामिल किया। कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले छात्र नेताओं ने कहा, वर्तमान बीजेपी सरकार में लोकतांत्रिक मूल्य सुरक्षित नहीं रह गए हैं, शिक्षा महंगी होती जा रही है, रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं, स्थानांतरण सरकार में शांतिपूर्वक किए जा रहे आंदोलनों को पुलिस के दम पर कुचला जा रहा है, आपसी प्रेम भाईचारा समाप्त हो रहा है, बीजेपी बांटो राज करो की नीति पर चल रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो देश को एक सूत्र में बांधकर देश का विकास कर सकती है। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य आशुतोष द्विवेदी, कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे, जावेद मंदे, एनएसयूआई के प्रदेश सचिव मंजीत यादव, आशुतोष रजत, युवा कांग्रेस सर अध्यक्ष अमर बहादुर यादव आदि नेताओं ने कांग्रेस में शामिल सभी छात्र नेताओं का स्वागत किया और उन्हें बधाइयां दी। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित थरवर। सबसे पहले अपना परिचय देते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। मैं विशाल दुबे, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई, वर्तमान जिला अध्यक्ष, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष, जेबीपीजी कॉलेज। आज 14 फरवरी के दिन हम सभी युवा साथियों ने एनएसयूआई के तहत ज्वाइनिंग का कार्यक्रम वो किया। आज हमारे जनपद से विभिन्न कॉलेजों के सब लगभग 10 छात्र नेताओं ने एनएसयूआई ज्वाइन किया और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई ज्वाइन किया। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जाना? देखिए, कांग्रेस पार्टी की गांधीवाद की विचारधारा जो सड़क से लेकर सदन तक छात्रों के हित हो या किसी भी प्रकार की चर्चा हो, किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, कांग्रेस सदैव लड़ती रही। इन विचारधाराओं से हम प्रभावित होकर एनएसयूआई ज्वाइन करके और भी युवाओं को साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं।